अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ हसन जी आज आपके लिए तिल वाले ताफ्तान नान की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत इजी वे में है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इसको बनाते हुए, और इतना सॉफ्ट और मज़े की ब्रेड बनेगी कि आप इंजॉय करेंगे। स्पेशली बाहर के मुल्कों में रहने वाले लोग जो जिनको ये ब्रेड्स नहीं अवेलेबल होती तो वो तो बहुत इंजॉय करेंगे। और बहुत फरमाइश थी मेरे व्यूअर्स की कि मुझे हमें ताफ्तान नान शीरमाल, इंशाल्लाह शीरमाल की भी रेसिपी मैं अपलोड करूँगी, और आज आपके लिए ताफ्तान नान की लेके आई हूँ। आई होप के पसंद आएगी। चलें आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। जी नाज़रीन, हम बना रहे हैं ताफ्तान, और ताफ्तान के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैदा है 2 कप, ये बटर मिल्क है। बटर मिल्क बाहर के मुल्कों में आराम से मार्केट में मिल जाता है, लेकिन ये आप इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। ये मैंने 1/2 कप दूध लेकर उसे नीम गरम किया, और जब वो गरम हो गया तो फिर मैंने इसमें 1/2 टीस्पून सिरका डाल दिया, तो और उसके बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, तो ये हमारा बटर मिल्क तैयार हो गया। आप इसकी जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये दही का ऑल्टरनेट है कि अगर दही नहीं है तो आप बटर मिल्क इस्तेमाल कर लें। 1/2 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून शक्कर जाएगी, और 2 टेबल स्पून घी जाएगा। इसके अलावा 1/2 टीस्पून हमारा बेकिंग सोडा जाएगा। तो चलते हैं, और दूध है, दूध एज़ रिक्वायर्ड है, जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये हमारा आटा तैयार हो गया नान का, और ये हम 1/2 आवर के लिए छोड़ेंगे, और उसके बाद हल्का सा मसल का, फिर उसके बाद हम इसकी नान बनाने शुरू करेंगे। इसमें 4 नान बन सकते हैं, छोटे साइज़ के और बड़े साइज़ के 2 नान। हम फिर आपको 1/2 आवर बाद दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अब हम ताफ्तान बना रहे हैं, और ताफ्तान का आटा मैंने आपको दिखा दिया था गूंद के, ये भी आधे घंटे, ये हमने तकरीबन आधे घंटे रखा है। इसके मैं छोटे छोटे ताफ्तान बनाऊंगी, तो मैं इसको ये देखें इस तरह करके और 4 हिस्सों में, ये देखिए। जी नाज़रीन, ये देखिए इस तरह पेड़ा बना के, और ये मोटे मोटे ही बेलेंगे, इन्हें हम बहुत पतला नहीं करेंगे। ये ताफ्तान थोड़ा मोटा होता है, इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने ओवन ट्रे में इस तरह रख दिए हैं ताफ्तान, और अब मैं इसमें इस तरह बीच बीच में, हम इसके किनारों पे नहीं लगाएंगे, ताफ्तान बीच बीच से ही होते हैं। एक पे मैं आपको छुरी से दिखाती हूँ, और दूसरे में हाथ से दिखाऊंगी आपको। ये और अब मैं इसे ओवन में रख रही हूँ। पहले हम इसको ऊपर से सेकेंगे ओवन में, और फिर हम पैन में सेकेंगे नीचे से, ताकि सॉफ्ट रहे, जल्दी हो जाए। ओवन में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और इसे मैंने बंद कर दिया है, मुश्किल से ये 5 मिनट में ऊपर से सिक जाएंगे। आदमी ये देखिए, ये नान जो हमने रखे थे ओवन में ये हो चुके हैं। अब मैं इसको उठाकर, और ये आप फ्राई पैन देख सकते हैं मैंने इस पर रखा हुआ है, और ये मैंने फ्राई पैन पे रख दिया। अब ये नीचे से फ्राई पैन पे हम सेकेंगे।
ये देखिए ना नाजरीन, मैंने जो नान आपको दिखाए थे कि मैंने पैन पे रखे हैं, हो चुके हैं और ये पीछे से भी बिल्कुल परफेक्ट सिक चुका है। तो ये भी तैयार हो गया। अब दूसरा नान भी हमारा तकरीबन तैयार है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जी नाजरीन, ये दूसरा नान भी तैयार है और इसे मैंने इसीलिए इसी में रखा है। ये देखिए पीछे से, ये वो ज़रा सा तेज़ है, ये हल्का है। इतना हो जाए तो आप समझें आपका नान तैयार हो चुका है। ये नान हमारे तैयार हो गए, अब आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। लीजिए नाजरीन, ताफ्तान नान तैयार हैं। बहुत ही अमेजिंग सी ब्रेड है ये। जो लोग मिस करते हैं, बाहर के मुल्कों में रहते हैं और मिस करते हैं ऐसी चीज़ें, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इजी वे में मैं रेसिपीज सिखाती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।